तो स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर नंबर 6 है, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। तो इससे इसमें प्रीवियस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6D तक कर चुके थे। आज हम इसमें देखेंगे टेस्ट योर सेल्फ एक्सरसाइज। तो टेस्ट योर सेल्फ एक्सरसाइज की एमसीक्यूज देखते हैं। तो अगर आपको इससे प्रीवियस लेक्चर चाहिए, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर नंबर 6 पर क्लिक करोगे तो आपको मिलेंगे ओल्ड लेक्चर, लेकिन उसको स्क्रॉल करना, नीचे की तरफ आपको न्यू लेक्चर मिलेंगे जिनको हम यहाँ पर आपको करा रहे हैं। तो अब इसमें देखेंगे टेस्ट योर सेल्फ के MCQs, ओके? तो इसमें फर्स्ट MCQ देखेंगे, ऐसे हम इसको इजीली सोल्व कर पाएंगे, ये देखते हैं इसमें। तो अब इसमें देखते हैं इसके MCQs। तो MCQs को सिंपली आपको किस टाइप से सोल्व करना है, देखते हैं। फर्स्ट MCQ, द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज, ये बोल रहा है कि एक नंबर और इसके रेसिप्रोकल का सम ये आना चाहिए। तो आप इसे ऑप्शन से कर सकते हो इजीली, जैसे 4 मतलब 2 और 1/2, क्या इन दोनों का सम 4.25 आएगा? ये तो 2 है और ये 0.5 आएगा, नहीं है। ये 4 एंड ये 1/4, तो 1/4 को अगर आप डिवाइड करोगे 1 को 4 से तो 0.25 आ रहा है, तो 4.25, ये इसका सेकंड वाला ही ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि ये 4 और 1/4 को आप 0.25 कर सकते हो डिवाइड करके, तो ये हो जाएगा 4.25। तो ये इसका ऑप्शन है, तो आप ऑप्शन से इसको इजीली कर सकते हो सोल्व। बी वाला देखो, द सम ऑफ टू होल नंबर्स इज 18, टू होल नंबर्स का सम 18 है एंड देयर प्रोडक्ट इज 45। देखो, ये इसी टाइप के लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपको क्वेश्चन गिवन किया है। तो आपको ये लॉन्ग टाइप में किस टाइप से करना है, ये आपको लॉन्ग क्वेश्चंस में समझ में आएगा बिल्कुल अच्छे से। तो आप एमसीक्यू को कैसे क्विकली कर सकते हो, यही मेथड आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप ऑप्शन से करें इसको, बहुत ही ईजी हो जाता है चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चन, ठीक है। तो जब कभी भी एमसीक्यू क्वेश्चन आए तो सबसे पहले ऑप्शन से ही चेक कर लेना उसको, अगर वो हो जाए तो ठीक है, वरना हम इसको लॉन्ग टाइप से कर सकते हैं। दिस सम ऑफ टू होल नंबर्स इज 18, टू होल नंबर्स हैं जिनका सम 18 होना चाहिए। अब देखो, होल नंबर्स, इसमें होल नंबर्स, ये दोनों होल नंबर्स हैं, यस ये होल होंगे, ये होल नहीं है क्योंकि नेगेटिव में होल होता ही नहीं है, तो ये दोनों होल नहीं है, ये वाला होल नहीं है, ये है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन नहीं लग रहा है हमारा करेक्ट, और इसमें सेकंड जो इसमें कंडीशन का उसको चेक कर लेते हैं, क्या है कि देयर प्रोडक्ट इज 45, क्या इन दोनों का प्रोडक्ट 45 आ रहा है, यस दोनों होल्स हैं ये, ठीक है, दोनों होल नंबर भी हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, बी का हो गया फर्स्ट, ओके, दोनों होल नंबर्स भी हैं एंड दोनों का प्रोडक्ट 45 भी है, तो फर्स्ट हो गया इसका ऑप्शन कितना, 15 और 3। सी में द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन इट्स विड्थ, ये कह रहा है कि रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो 3 मीटर ज्यादा है, कितना, 3 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, ओके। तो 3 मीटर मोर है, अगर हम इसके ब्रेथ को अगर कैलकुलेट कर लेते हैं एक्स, तो देन इसकी लेंथ क्या होगी, 3 ज्यादा, मीन्स 3 ऐड करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना, 3 टाइम्स नहीं करना। अभी कह रहा है कि अगर इनका एरिया 180 आ रहा है, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, लेंथ बतानी है रेक्टेंगल की क्या होगी, इसमें से बताओ। वैसे अगर आप ऑप्शन देखें कि भाई 15 अगर हम लेंथ लें तो 15 में 3 कम कर दें, 12 और 15 मल्टीप्लाई करके 180 देते हैं, तो इसका आंसर 15 हो जाएगा, कॉमन सेंस अगर हम लगें। लेकिन अगर प्रॉब्लम आ रही है, कोई बात नहीं है, बस आप इनको मल्टीप्लाई करो लेंथ और ब्रेथ को, इक्वल टू 180, क्योंकि एरिया क्या होता है, एल इंटू बी, ये एल है, ये बी है, बी एल कह दो, एल इंटू बी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ये 180 इधर आकर माइनस 180 इक्वल्स टू में 0, 180 का फैक्टर कर दो आप, 180 का फैक्टर माइनस करने पर 3 आए, बताओ 180 का फैक्टर माइनस करने पर 3 आए, तो इसका फैक्टर आए 15 और 12, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, इसकी जो लेंथ होगी वो 15 होगी, 15 हो सकती है क्या, 3 मीटर मोर लेंथ हो गई, ठीक है, 15x माइनस यहाँ पर 12x एंड ये माइनस 80, 12 माइनस इसमें से करेंगे हम तो कितना जाएगा, 15 इक्वल्स टू में 0, यहाँ पर ये x और यहाँ पर ये x प्लस कितना 15, यहाँ पर ये कितना जाएगा, माइनस 12 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कितना जाएगा x और प्लस 15, क्योंकि यहाँ से 2x की वैल्यूज आ रही हैं, एक तो माइनस की 15 आएगी और एक आएगी प्लस की 12, क्यों, यहाँ से माइनस का 15 मिलेगा अगर हम इसको 0 को इक्वल रखेंगे, और यहाँ से मिलेगा x की वैल्यू 12, तो क्या लेंगे, तो लेंथ ब्रेथ हमेशा पॉजिटिव वाली वैल्यू लेते हैं, तो x की वैल्यू 12 लेंगे, लेकिन हमें लेंथ चाहिए, ये 12 क्या है, ब्रेथ, तो लेंथ क्या हो जाएगी, 12 प्लस 3 15, तो 15 इसकी लेंथ हो जाएगी, इसलिए इसका ऑप्शन क्या है, सी वाले में ऑप्शन क्या है, थर्ड, ओके, सी का थर्ड ऑप्शन है, ये करना है इसका सिंपल। नेक्स्ट देखेंगे इसमें डी, कह रहा है कि द स्पीड ऑफ ए बोट इन अ स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 5 किलोमीटर पर आवर। अब ये इस बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन आपको बताया था डी वाले, जो हमने डी वाले डी और सी वाले क्वेश्चंस किए थे, सी वाले क्वेश्चन में बताया था आपको एक्सरसाइज सी में, इसमें क्या होता है,
अभी कह रहा है कि द बोट गोज एक्स किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, एक्स किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है एंड देन रिटर्न बैक टू द पॉइंट ऑफ द स्टार्ट, अगेन उसी पॉइंट पर जाती है। ओके तो ये कह रहा है, इसमें बताना है क्या, देखो ये आर्स में क्या है, टाइम है, तो टाइम बताना है अगर, तो बताओ डाउन स्ट्रीम में से कितना टाइम लगेगा। टाइम इजिकल्स टू क्या होगा, डिस्टेंस। देखो स्पीड इजिकल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके तो टाइम इजिकल्स टू होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अगर हमें डाउन स्ट्रीम का टाइम चाहिए तो क्या होगा, डिस्टेंस एक्स है। स्पीड क्या है, डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाती है, बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड मीन्स वाटर की स्पीड दोनों ऐड हो जाएंगे, 15 + 5 ये हो जाएगी 20। ये है नीचे आने का टाइम, ऊपर जाने का टाइम आप स्ट्रीम में तो कितना हो जाएगा, एक्स डिस्टेंस आपको एक्स ही ट्रेवल करना है, लेकिन स्पीड कितनी हो जाएगी, 15 - 5 = 10 हो जाएगी। ये बात समझ में आई आपके, क्योंकि जब हम क्या क्या करते हैं भाई, वाटर के डायरेक्शन में आते हैं, स्ट्रीम की डायरेक्शन में आते हैं, तो भाई जो भी बोट की स्पीड हो जाती है उसमें वाटर की जो स्पीड है, स्ट्रीम की जो स्पीड है वो ऐड हो जाती है। लेकिन अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, वाटर के अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, जो भी स्पीड होगी एक्चुअल बोट की उसमें से वाटर की स्पीड या फिर स्ट्रीम की स्पीड हम कह देंगे माइनस हो जाती है। टोटल टाइम हमारा ये होगा इसको कवर करने में। ओके तो ये कितना, कौन सा ऑप्शन आ रहा है हमारा, थर्ड ऑप्शन आ रहा है, इसका होगा थर्ड, डी में थर्ड ऑप्शन। ओके नेक्स्ट देखते हैं इसमें ई कह रहा है कि वन पाइप कैन फिल एन एम्प्टी सिस्टर्न इन 3 hours लेस देन द अनदर पाइप। एक पाइप टंकी को 3 घंटे जल्दी में 3 hours लेस में क्या कर देता है, इसको एम्प्टी कर देता है, खत्म कर देता है। व्हेन बोथ दी पाइप्स आर ओपन, अगर दोनों पाइप ओपन कर देता है, एम्प्टी सिस्टर्न इज फिल्ड इन, तो एम्प्टी सिस्टर्न कितने में फिल हो जाती है, 2 hours में। क्या कह रहा था यहाँ पर, वन पाइप कैन फिल एन एम्प्टी सिस्टर्न, एम्प्टी नहीं कर रहा, ये कह रहा है कि भाई एक जो पाइप है वो फिल कर देता है खाली सिस्टर्न, खाली टंकी को 3 घंटे कम समय में किसी दूसरे पाइप के कंपैरिजन में। मीन्स कि 2 pipes हैं, एक पाइप क्या कर रहा है 3 घंटे जल्दी में फिल कर रहा है, तो एक पाइप 3 घंटे ज़्यादा में फिल कर रहा होगा, मीन्स 3 का डिफरेंस है दोनों में। अभी कह रहा है कि अगर दोनों पाइप को चला दिया जाए किसी सिस्टर्न को फिल करने में, अगर दोनों पाइप को चला दिया जाए तो वो 2 hours में इसको फिल कर देती हैं। दोनों पाइप अगर चला दिया जाए, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला, तो इसको क्या कर देंगे, 2 hours में ही फिल कर देंगे। भाई ऐसा रहा होगा कि भाई ये जो बड़ा वाला पाइप है ये 3 घंटे कम में, मीन्स कि अगर ये 10 घंटे में फिल कर रहा है, 10 hours लगा रहा है इसको फिल करने में अकेला, तो ये इसको कितना लगा रहा है, 7 hours लगा रहा है, ऐसा समझ सकते हो आप। तो अगर हम लैड कर लेते हैं कि ये एक्स आर लगा रहा है, तो ये एक्स माइनस 3 लगाएगा, 3 कम कर देंगे, क्योंकि इसमें बोला है कि भाई एक पाइप 3 hours कम लेता है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि अगर दोनों को एक साथ चला दिया जाए तो वो 2 hours में इसको फिल कर देते हैं। द सेकंड पाइप विल फिल द एम्प्टी सिस्टर्न इन, तो सेकंड पाइप कितने टाइम में इसको फिल कर देगा ये बताओ। देखो पाइप एंड सिस्टर्न या फिर वर्क वगैरह का जो हमने क्वेश्चन किए हैं टाइम एंड वर्क के, तो उसमें क्या होता है, यहाँ पर हम 1 hour वर्क लेते हैं कि भाई अगर ये सिस्टर्न को फिल करने में एक्स माइनस 3 hours लगा रहा है, तो इसका 1 hour वर्क कितना होगा, 1/(x-3) + ये एक्स आर लगा रहा है, तो इसका 1 hour वर्क होगा 1/(x). अगर ये दोनों का 1 hour वर्क है और ये 1 hour वर्क कितना करेंगे, अगर ये एक साथ कर रहे हैं, अगर ये एक साथ वर्क कर रहे हैं तो वे 2 hours लगा रहे हैं, तो इनका 1 hour वर्क कितना हो जाएगा, 1/2। इस रूल के अकॉर्डिंग हम इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं और इसको करते हैं सोल्व, इसी से हमें वैल्यू मिलेगी इसकी। देखो इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों की मल्टीप्लाई एक्स इधर और एक्स माइनस 3 इधर, समझ गए आप, यहाँ कर दिया हमने 2x-3 और यहाँ पर एक्स इंटू एक्स माइनस 3 = 1/2। 2 से इधर मल्टीप्लाई कर लो, 4x-4 2 × 3 = 6 और यहाँ पर एक्स इंटू एक्स माइनस 3, यहाँ पर 4x-6 और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 3x, यहाँ 0 कर लो, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x + 6। ओके अब कर लो इसको, एक्स कॉमन ले लो एक्स माइनस 3, माइनस 2 कॉमन ले सकते हो क्या आप इसमें, देखो पहले आप इसको 7 करो, अभी इसके सही करेक्ट फैक्टर नहीं आ रहे हैं, मीन्स मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अभी सही नहीं की हमने यहाँ पर 7x + 6। अब आप करो 6 के फैक्टर प्लस करने पर 7 आए, तो 6 × 1 = 6, तो आप इसे 6x - x इस टाइप से कर सकते हो, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू मिलेगी, एक आपको कॉमन लिया हमने यहाँ से एक्स, तो x - 6 एंड यहाँ से -1 कॉमन ले रहे हैं, तो x - 6, फिर आपको क्या मिल रहा है, ये x - 6 एंड यहाँ पर x - 1, x - 6 = 0 एंड यहाँ पर x - 1 = 0, x = 6 और यहाँ पर x = 1, ये हो गया। तो ये हो रहा है इसमें बस सिंपल,
ओके तो अब एक्स के प्लेस पर हम क्या ले सकते हैं, देखो हमने टू टाइम्स लेट किए एक छोटे पाइप के लिए एक बड़े पाइप के लिए, तो अगर हम एक्स की वैल्यू वन लेते हैं तो वन में से थ्री माइनस कर देंगे, वन में से थ्री माइनस करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी, तो वन वैल्यू वैलिड नहीं है। सिक्स अगर हम इस पाइप के लिए सिक्स ले रहे हैं टाइम, तो भी इस पाइप के लिए क्या हो जाएगा हमारा, सिक्स माइनस थ्री मतलब थ्री हो जाएगा, तो ये वैलिड है। ओके तो भाई एक हमारा हो जाएगा सिक्स, मीन्स पहले वाला पाइप थ्री आर लेस ले रहा था, दूसरा पाइप कितना ले रहा है सिक्स आर ले रहा है, इसने यही बोला था। लैंग्वेज के अकॉर्डिंग देखें अगर हम इसे, तो इसने कहा था कि वन पाइप कैन फिल एम्प्टी टैंक इन थ्री आर लेस, तो वन पाइप पहला पाइप इसको लिया था जो थ्री आर लेस में फिल कर रहा था, अदर पाइप का टाइम पूछा था इसने, अदर पाइप कितने में फिल करेगा तो सिक्स आवर्स में फिल कर देगा, तो ये इसका सेकेंड वाला ऑप्शन है। ओके ये हो जाएगा इसका सेकेंड ऑप्शन। कौन सा वाला क्वेश्चन था ये हमारा, ये था हमारा ई पार्ट। ओके ई में क्या है हमारा सेकेंड ऑप्शन है सिक्स, ये करना था इसमें सिंपल, तो ये हो गया हमारा इसका फिफ्थ पार्ट। तो ये इसके क्वेश्चंस हो गए। देखो टेस्ट योर सेल्फ जो एक्सरसाइज है ये ओल्ड बुक में हमारी सिक्स ई एक्सरसाइज है, डी के बाद ई एक्सरसाइज, तो वहाँ पर आपको ये सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, परेशान होने की कोई भी बात नहीं है, पैनिक नहीं होना है आपको, आपको इजीली बस क्या करना है लेक्चर ओपन करना है आपको, अपने क्वेश्चंस देखने हैं वो कहाँ पर है, नंबरिंग में मिसमैच हो सकती है, वरना सभी क्वेश्चन आपको उस लेक्चर में मिल जाएंगे। तो आप एक्सरसाइज सिक्स ई देखिए इनके लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, और इनको कंप्लीट करिए और अच्छे से प्रिपेयर कीजिए इसको। आप इसके अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, हर एक क्वेश्चन को खुद से आपको करना है, तभी ये क्वेश्चन यह कह सकते हो कि आपको ये चैप्टर अच्छे से आएगा। इस चैप्टर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चों को, क्यों, क्योंकि भी इनको लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, इक्वेशन बनाने में प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम कैसे सोल्व होगी, आप उसको कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, अपने इस चैप्टर को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, तो वो सारा डिपेंड करेगा आपकी प्रैक्टिस पे, कि आपको हर एक क्वेश्चन करना है, पहले देख के करना है फिर बिना देख के करना है। ओके इस टाइप से आप इसके कम से कम एक क्वेश्चन की दो से तीन बार प्रैक्टिस करें तो ये आपका चैप्टर बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा। तो बस आपको इसी रूटीन को फॉलो करना है और इसको चेक करना है फिर कि भी आपको कितने अच्छे से आ गया चैप्टर। ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर करना, और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।